हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोमैट। दोस्तों, आज हम मच अवेटेड होंडा हॉर्नेट 160R 2018 एडिशन की एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। हॉर्नेट की इस नए अवतार में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अब इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी एक्सपेक्टेड माइलेज और प्राइस कितना है, सब आपको बताएंगे। और आखिर में इस बाइक के बारे में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मोटोमैट को और बेल आइकन को जरूर दबाइए सभी नई बाइक और स्कूटर की कंपैरिजन और रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए। न्यू कलर वेरिएंट विथ न्यू बॉडी ग्राफिक्स, मोर एग्रेसिव एंड शार्प फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप, हैजर्ड लैम्प, ऑप्शनल सिंगल चैनल एबीएस, रिट्यून्ड 163cc की पावरफुल इंजिन, लो मेंटेनेंस सील्ड चेन, ये है 2018 एडिशन ऑफ होंडा हॉर्नेट 160R। हॉर्नेट पे जो भी कुछ प्रॉब्लम था, लगता है इस एडिशन पे होंडा ने उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बढ़िया कोशिश किया है। पुरानी हॉर्नेट से ये अपडेटेड हॉर्नेट कितना अलग है, चलिए वो देखते हैं। पहला तो है इसकी बॉडी ग्राफिक्स और ये नया डेजल येलो न्यू पेंट स्कीम। हॉर्नेट पहले सिर्फ 4 कलरों पे अवेलेबल थी, पर अब येलो पेंट स्कीम को लाया गया है। मुझे पर्सनली ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हॉर्नेट अब 5 कलरों में अवेलेबल है, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। इसमें से ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों कलर वेरिएंट मैट फिनिश्ड है और रेड, ब्लू और येलो ये पेंट स्कीम ग्लॉसी है। इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है इसकी हेडलैम्प सेटअप में। अब इसमें फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसकी ये नया हेडलैम्प सेटअप डिजाइन अब इसको और भी शार्प और एग्रेसिव बना रही है। हॉर्नेट की एक मेजर प्रॉब्लम थी उसकी हेडलैम्प, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, पर लगता है उस प्रॉब्लम को होंडा ने सॉल्व कर दी है। मुझे इसकी हेडलैम्प काफी ब्राइट लगा। हॉर्नेट की ब्रेकिंग पहले से ही बहुत अच्छा था। मैं खुद सीवीएस वाली वेरिएंट चलाता हूँ और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ। पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम को अब और भी इम्प्रूव कर दिया गया है, क्योंकि अब इसमें सिंगल चैनल एबीएस की ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है, न्यू हॉर्नेट की ब्रेकिंग सिस्टम ओल्ड हॉर्नेट से काफी बेहतर होगी। सब हॉर्नेट यूजर एक ही कंप्लेन करते थे कि हॉर्नेट की लोअर एंड इंजन 5/4 थ्रस्ट एफजेडएस और जिक्सर की तरह नहीं है। पुरानी हॉर्नेट पे लोअर गियर्स में एडिक्वेट पावर नहीं मिलता था, पर इस एडिशन पे लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि अब इसकी इंजन रीट्यून किया गया है। इससे हॉर्नेट की ऑन द गो एक्सेलरेशन और इंजन पंच लोअर एंड में बहुत अच्छा हो गया है। नाउ इट कैन इजीली कॉम्पीट विथ जिक्सर एंड एफजेडएस। अब ये बहुत ही इजीली लोअर एंड पे एक्सेलरेट होती है। ओल्ड हॉर्नेट पे एक और भी प्रॉब्लम था कि इसकी चेन से एक अनोइंग साउंड आती है, पर ये प्रॉब्लम भी इस एडिशन पे सॉल्व कर दिया गया है। अब इसमें लोअर मेंटेनेंस सील चेन दिया गया है। होंडा की क्लेम है इस लो मेंटेनेंस चेन की लॉन्गजीविटी पहले वाली से ज्यादा है। इसकी मीटर कंसोल को देखें तो इसमें पहले वाले की तरह ही मीटर कंसोल लगा हुआ है। अभी भी इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, पर इसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है। इसमें अब ब्लू बैकलाइट दिया गया है। हॉर्नेट पे अब काफी बढ़िया क्वालिटी की स्विच गियर्स लगा हुआ है। इसकी स्विच गियर्स बिल्कुल एक्सब्लेड की तरह ही है। अब इसमें हैजर्ड लैम्प की ऑप्शन है, पर इंजन किल स्विच अभी भी इसमें नहीं है। हॉर्नेट पे एक वेल कुशन्ड सीट लगा हुआ है, जो लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसकी सीटिंग पोस्चर कम्यूटरिश है। इसकी सीट हाइट है 790mm, जो सब हाइटों की राइडर्स के लिए कंफर्टेबल है। अब आते हैं इसके इंजन और ऑन रोड परफॉर्मेंस पे। इसमें 162.71cc की 4-स्ट्रोक एयरकूल्ड BS4 कंप्लाइंट HET इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 14.9 bhp और मैक्सिमम टॉर्क 14.5 Nm। हालांकि इसकी पावर फिगर पुरानी हॉर्नेट से थोड़ा कम है, पर रोड टेस्ट के दौरान मुझे फील हुआ अब होंडा ने इस इंजन को ऐसे ट्यून किया है जिससे लोअर एंड पंच और थ्रस्ट पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब रेव करते समय इंजन स्ट्रेस्ड फील नहीं होता है। अब इसके गियर और क्लच और भी स्मूथ कर दिया गया है और इसकी एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा अलग है पिछले वाली से। मैं इस वीडियो के एंड पर आपको इसकी इंजन नोट भी सुनाऊंगा। ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में हॉर्नेट इज द किंग ऑफ दिस 150cc सेगमेंट। हॉर्नेट के 4 वेरिएंट्स है, सिंगल डिस्क वेरिएंट विथ एबीएस, डुअल डिस्क वेरिएंट विथ सीबीएस एंड डुअल डिस्क वेरिएंट विथ एबीएस।
मैं जो यूनिट रिव्यू कर रहा हूँ वो CVS वेरिएंट है। ABS वेरिएंट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई है। चलिए एक बार CVS और ABS की बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। CVS में होता क्या है, जब आप रियर ब्रेक दबाते हैं तो इन ए सर्टेन पोर्शन फ्रंट ब्रेक भी एंगेज हो जाती है, इससे बाइक स्कीड होने के चांसेस थोड़ा कम होती है। पर ABS इज द मच न्यूअर टेक्नोलॉजी देन CVS। इसमें स्लिपरी रोड कंडीशन पे या फिर हार्ड ब्रेकिंग के सिचुएशन पे व्हील लॉक नहीं होती, इससे बाइक स्कीड होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। दोस्तों अगर ये बाइक आप लेने की सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ABS वाली वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ABS अनवांटेड सिचुएशन पे आपकी लाइफ सेव कर सकती है। इसकी फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पे एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। पहले हॉर्नेट की रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ हुआ करता था, पर मुझे लगता है इस एडिशन पे रियर सस्पेंशन को परफेक्टली ट्यून किया गया है मोर स्पोर्टियर और कंफर्टेबल राइड्स के लिए। इसमें 5 स्पोक स्प्लिटेड अलॉय व्हील दिया गया है। और टायर्स की बात करें तो इसकी फ्रंट पे 100x80mm और रियर पे 140x70mm की वाइड ट्यूबलेस MRF टायर लगा हुआ है। इस टायर की रोड ग्रिप बहुत ही अच्छा है। इसकी कॉर्नरिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है थैंक्स टू इट्स वाइड रियर टायर एंड फैंटास्टिक सस्पेंशन सेटअप। चलिए इसकी ओवरऑल डायमेंशन पे भी एक बार नजर डालते हैं। हॉर्नेट की लेंथ है 2041mm विद 783mm और हाइट 1091mm। इसमें 1346mm की व्हील बेस के साथ साथ 164mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। कार्बोवेट को देखें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की वेट है 138kg, CVS वेरिएंट की 140kg, ABS स्टैंडर्ड वेरिएंट की 140kg और ABS डीलक्स वेरिएंट की 141kg। इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है जिसमें 1.5 लीटर की रिजर्व है। हॉर्नेट से अब लगभग 46 से 48 किलोमीटर पर लीटर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हॉर्नेट की 4 वेरिएंट्स है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 84,234 रुपीज, CVS वेरिएंट की 88,734 रुपीज, ABS स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस है 89,734 रुपीज और ABS डीलक्स वेरिएंट की प्राइस है 94,234 रुपीज। Guys, now come to my personal opinion about this bike. दोस्तों मैं खुद हॉर्नेट की 2017 वाली एडिशन को चलाता हूँ। उसमें कुछ इश्यूज मैंने देखा है, जैसे कि लोअर एंड पे इंजन पंच की कमियां, annoying chain sound और weak headlamp setup। पर होंडा ने लगता है इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए 2018 वाली एडिशन को लॉन्च किया है। अब इसकी इंजन पहले से स्मूथ और रेस्पॉन्सिव हो गया है। अब इसमें फेबुलस थ्रॉटल रेस्पॉन्स मिल रही है। हेडलैम्प सेटअप को भी अब बदल दिया गया है। लो मेंटेनेंस सील चेन होने की वजह से अब चेन से एनोइंग साउंड भी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब इसमें ऑप्शनल ABS भी है। तो मेरे ओपिनियन पे हॉर्नेट वन ऑफ द बेस्ट 150cc बाइक हो गई है। अब ये आराम से जिक्सर, FZS और RTR 160 से कॉम्पीट कर सकती है। दोस्तों हॉर्नेट की ये नया अवतार आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज नीचे जाके लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों चलते चलते इसकी एग्जॉस्ट नोट भी एक बार सुन लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।